अज पंथ की जिहड़ी मेन साडी गल आ अज ओह करनी चाहुंदा दास जे दास कोई गलत बोलेगा ते दास नूं इत्थे झटका दित्ता जावे। श्री अकाल तख्त साहब तो एक निहंग सिंह ते जबरी भाषण देने दे इल्जाम लगे ने। जी हाँ, एक वीडियो सामने आई है जिस एक निहंग सिंह श्री अकाल तख्त साहब तो माइक फड़ के संबोधन कर रहा है। हालांकि उसका माइक अद विचाले बंद कर दिया गया, पर इसके बावजूद भी निहंग सिंह लगातार अपना भाषण जारी रखता है। गुरु का दास इतने एक बेनती करनी चाहता है, बाबा साढ़े बाबा जी सत्कार जो के महापुरख इतने कट्ठे हुए ने, अज पंथ की जिहड़ी मेन साडी गल आ अज ओह करनी चाहता दास जे दास कोई गलत बोलेगा ते दास नूं इत्थे झटका दित्ता जावे। दास ओह गल्लां करन लई पंथ दे विच इकट्ठा होया अज जिहड़ी सानूं लोड़ आ। अकाली दल के आगू करनैल सिंह पीर मोहम्मद ने निहंग सिंह वालों श्री अकाल तख्त साहब से चढ़ के भाषण करने से इतराज जताया। करनैल सिंह पीर मोहम्मद ने एक पोस्ट पा के वीडियो साझी करदे लिखा है कि सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहब अमृतसर जी आता बिल्कुल गलत किया। इस निहंग सिंह ने श्री अकाल तख्त साहब तो केवल जथेदार श्री अकाल तख्त साहब या तख्त साहबान के जथेदार साहबान ही कौम दे नाम संदेश दे सकते ने। इस निहंग सिंह दा सख्त नोटिस लिया जाए। मैं संबंध विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह जी धामी अते तख्त श्री दमदमा साहिब दे जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी नूं भी बेनती कीती है। हालांकि यह वीडियो कदों दी है यह फिलहाल साफ नहीं हो सकिया, पर अकाली दल दे आगू ने इस पूरे मामले ते इतराज जाहिर कीता है। इल्जाम है कि श्री अकाल तख्त साहब तो जथेदार श्री अकाल तख्त साहब या दूजे तख्तां दे जथेदार साहबान ही संबोधन कर सकते ने। उधर हुण जदों श्रोमणी कमेटी नूं इस बारे शिकायत की गई है तां देखना होगा कि श्रोमणी कमेटी या श्री अकाल तख्त साहब जी दे जथेदार इस पूरे मामले ते किहो जिहा एक्शन लैंदे ने। ब्यूरो रिपोर्ट, सेंट्रल पंजाब टीवी।